हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बॉर्न हैबर साइकिल डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये कंप्लीट हैडिटेड नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, इसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में लिख सकते हैं। बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है? द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन वेरियस एनर्जी चेंजेस एस आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिसोसिएशन एनर्जी, लैटाइस एनर्जी एटसेट्रा, एंड द रिलेशन बिटवीन दिस एनर्जीज कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ अ साइकिल नोन एज बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में बहुत सारे एनर्जी चेंजेस होते हैं। ठीक है, इन एनर्जी चेंजेस के बीच जो रिलेशन होता है उसको बॉर्न हैबर साइकिल के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम द साइकिल इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे हम NaCl का एग्जाम्पल लेंगे एंड इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। ये बेसिक डेफिनेशन अगर आप और डिटेल से समझना चाहें, ये जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो NaCl से मिलकर बना होता है। ठीक है, Na+ and Cl- मिलके जो है NaCl कंपाउंड बनाते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड के बनने में बहुत सारे एनर्जी चेंजेस होते हैं, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिसोसिएशन एनर्जी, लैटाइस एनर्जी। ठीक है, ये जितने भी एनर्जी चेंजेस होते हैं इनके भी जो रिलेशन है इसको ही शो किया जाता है बॉर्न हैबर साइकिल के द्वारा। या फिर इसको आप और इजी समझना चाहें, जो लैटाइस एनर्जी होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए बॉर्न हैबर साइकिल का यूज किया जाता है। अब ये लैटाइस एनर्जी क्या है, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लैटाइस एनर्जी क्या होता है। लैटाइस एनर्जी बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे Na+ and Cl- दोनों गैसेस फॉर्म में है जो NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो एक सॉलिड क्रिस्टल होगा, ये जो जब ये दोनों गैसियस स्टेट में है Na+ and Cl-, इन दोनों आयन जब रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनेगा। इनके रिएक्शन के बाद, ठीक है, NaCl बनने के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, उसको ही लैटाइस एनर्जी कहा जाता है। एक मोल आयनिक क्रिस्टल के फॉर्मेशन में उसके गैसीय आयनों के द्वारा, ठीक है, जितनी ऊर्जा रिलीज की जाती है उसको लैटाइस एनर्जी कहा जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो NaCl जो सॉलिड फॉर्म में है उसको गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसको लैटाइस एनर्जी कहा जाएगा। ठीक है, इसको आप दोनों प्रकार से समझ सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट यही है, लैटाइस एनर्जी कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है इसके फॉर्मेशन में उसको लैटाइस एनर्जी कहते हैं। इसी लैटाइस एनर्जी को हम बॉर्न हैबर साइकिल के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसको हम आगे एक एक करके इनके टर्म्स को समझेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। पहला टर्म है हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, जिसे डेल एच से डिनोट किया जाता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? द रिएक्शन बिटवीन सॉलिड सोडियम एंड क्लोरीन गैस गिव NaCl एंड द हीट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ NaCl इन दिस प्रोसेस द -98.21 किलो कैलोरी एनर्जी इन्वॉल्व होता है एनर्जी। ठीक है, मतलब ये रिलीज होता है। यहाँ पे देखिए Na जो है सोडियम जो है सॉलिड फॉर्म है, ये गैसियस फॉर्म है क्लोरीन गैस। ठीक है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये NaCl सॉलिड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में NaCl आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा, -98.21 किलो कैलोरी ऊर्जा इन्वॉल्व होगा, मतलब माइनस में है, मतलब ये रिलीज होगा, इतना एनर्जी यहां से रिलीज होगा। ठीक है, ये बेसिक आपको समझ में आ गया, इतना रिलीज होगा। एक आयनिक कंपाउंड बनने में जितना एनर्जी जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिक हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे बॉर्न हैबर साइकिल के टर्म्स को समझना। ठीक है, उससे पहले हम बॉर्न हैबर साइकिल को एक बार देख लेते हैं। बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है? ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद करना है। यहाँ पे ये जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन है, मतलब Na जो है सॉलिड फॉर्म में है, ये क्लोरीन गैस रिएक्ट करके NaCl बना रहे हैं। ठीक है, ये एक स्टेप में ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। इसमें -98.21 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज हो रहा है, मतलब एक स्टेप में पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन बॉर्न हैबर साइकिल में क्या है, जो है ये जो आयन्स है, ठीक है, बेसिकली ये Na+ और Cl- आयन्स में चेंज होंगे पहले, उसके बाद इनके बीच अट्रैक्शन होगा, रिएक्शन होगा, और ये लॉन्ग प्रोसेस में इस प्रकार से NaCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको बॉर्न हैबर साइकिल कहा जाता है। इसमें मेन है ये जो टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, एक एक करके हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजिली समझ में आ जाएगा, और फाइनली हम इससे जो है लैटाइस एनर्जी किस प्रकार से निकालते हैं उसको समझेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
सो स्टार्ट करते हैं सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है। सो सब्लिमेशन एनर्जी इन मेटेलिक सोडियम द एटम्स आर ज्वाइंट टूगेदर टू सेपरेट देम द मेटेलिक सोडियम इज कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट दिस एब्जॉर्ब 26 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल। ठीक है, तो बेसिकली सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है, जो मेटेलिक सोडियम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सोडियम है ये सॉलिड स्टेट में है, तो मेटेलिक सोडियम जो है आपस में इसके जो एटम होंगे, ठीक है, ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में है तो एटम डेफिनेटली बहुत पास पास होंगे, ठीक है, तो ये बहुत तो इनको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब इसको गैसेस फॉर्म में चेंज करेंगे जिससे ये एटम दूर दूर हो जाएंगे, तो मेटेलिक सोडियम को गैसेस फॉर्म में चेंज करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसको सब्लिमेशन एनर्जी कहा जाता है और इसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी आवश्यकता होती है, 26 किलो कैलोरी मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब इसमें ये पॉजिटिव चार्ज में है। ठीक है, यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, जिस एनर्जी के सामने जो है आपको माइनस चार्ज है, मतलब उतना वो रिलीज हो रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उतना जो है वो उसमें उतना जो है लग रहा है। ठीक है, उतना एनर्जी जो है उसमें प्रोसेस को कंप्लीट होने में उतना एनर्जी जो है उसको हमको देना पड़ रहा है, तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये सब्लिमेशन एनर्जी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड टर्म है हमारा डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गया, पहला पॉइंट हमने समझ लिया, सब्लिमेशन एनर्जी मतलब जो सोडियम है ये सॉलिड फॉर्म में था, ये गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, क्यों चेंज किया आपको पता चल गया, ये सॉलिड में है तो इसके एटम पास पास है, तो इनको दूर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ये हम सब्लिमेशन एनर्जी इसमें लगाएंगे। ठीक है, सेकंड है डिसोसिएशन एनर्जी, क्लोरीन मॉलिक्यूल इज डिसोसिएटेड इनटू एटम व्हिच एब्जॉर्ब 28.9 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो यहां पे जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन एटम में चेंज होगा। ठीक है, एटम में चेंज होगा तो चेंज होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, एंड ये 28.9 किलो कैलोरी ऊर्जा इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन एनर्जी हो गया जिसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये क्लोरीन एटम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो गैसेस फॉर्म में होगा। इसके बाद गैसेस सोडियम एंड गैसेस क्लोरीन, अब हमको डिसोसिएशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एनर्जी के बाद हमको ये सोडियम गैसेस फॉर्म में मिल गया और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, गैसेस सोडियम एंड गैसेस क्लोरीन एटम आर चेंज इनटू देयर गैसियस आयंस। ठीक है, अब इनको आयन में चेंज करेंगे, सो द एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिलीज इज रिस्पेक्टिवली एज फॉलो। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे इसको आयन में चेंज करना है हमको। ठीक है, सोडियम को आयन में चेंज करेंगे एंड क्लोरीन को आयन में चेंज करेंगे, तो यहां पे सोडियम को जो है Na+ बनाने के लिए उसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने पिछले यूनिट के चैप्टर्स में पढ़ाया है, मैंने डिटेल में इंडिविजुअल वीडियो जो है इसको कवर किया है, तो आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यूनिट का, उसको भी आप देख सकते हैं। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल भी पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बेसिक आपको क्या समझना है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो वह मिनिमम एनर्जी, ठीक है, वह मिनिमम एनर्जी जो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वह मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे Na जो गैसेस फॉर्म है, जो सोडियम है, ठीक है, इसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे जिससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये इसमें Na+ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, Na+ चार्ज हो गया या आयनिक हो गया और इसमें 118 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसके लिए। ठीक है, एंड जो सेकेंड टर्म है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये इसका अपोजिट है। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, उसमें हम इस एटम में इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो इसमें तो किसी भी एटम में जहां इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इसमें क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो ये Cl- हो जाएगा। ठीक है, ये भी आयनिक चार्ज हो जाएगा और इसमें जो है -87.3 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो ये दो टर्म है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होगा उसमें लास्टली Na+ एंड Cl- आर अट्रैक्टेड टुगेदर एंड गेट अरेंज इन स्पेसिफिक मैनर फॉर्मिंग NaCl एंड द एनर्जी लिबरेटेड इज लैटाइस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में ये जो Na+ एंड Cl- है, दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो अट्रैक्ट होंगे एंड टुगेदर जो है अरेंज होंगे। ठीक है, और NaCl जो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसका फॉर्मेशन करेंगे और जो एनर्जी जो लिबरेट होगा, ठीक है, इस लास्ट स्टेप में जो एनर्जी बाहर निकलेगा उसको लैटाइस एनर्जी कहा जाता है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं ये फाइनल स्टेप
शेप है, Na प्लस Cl माइनस दोनों जो है ये NaCl बनाए और जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको हम लैटाइस एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक टर्म्स। इसके बाद अकॉर्डिंग टू हैस रूल द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द स्टेप वेदर NaCl इज फॉर्म इन वन स्टेप और इन मोर स्टेप सेल बी सेम, ठीक है। तो हैस ने एक रूल दिया था, उन्होंने बताया था कि जो NaCl का जो फॉर्मेशन हो रहा है अगर एक स्टेप में भी होता है तो उतना एनर्जी की आवश्यकता होगी और बहुत सारे स्टेप से होकर भी NaCl बन रहा है तो भी उतना ही एनर्जी की आवश्यकता होगी। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा या एनर्जी जो जितना एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होगा वो सेम होगा या एक स्टेप में भी बने या बहुत सारे स्टेप में भी बने, तो ठीक है। तो ये हैस ने ये रूल दिया था, तो इसी रूल के आधार पर हम लैटाइस एनर्जी जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उन्होंने तो ये है NaCl का लैटाइस एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, ये -98.21 किलो कैलोरी एनर्जी जो जब एक स्टेप में कंप्लीट होता है तो इतना एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम जो बाकी जो एनर्जी है, ठीक है, बाकी जो एनर्जी चेंजेस है इसको हम डेल एच वन डेल एच टू डेल एच थ्री डेल एच फोर में डिनोट करेंगे एंड ये यू जीरो ये जो है लैटाइस एनर्जी है। तो ये जो है हमारा सब्लिमेशन एनर्जी हो गया, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब जो भी मान है उसको हम यहां पे रखेंगे एंड उसके बाद यहां पे हम सिंपल सा कैलकुलेशन करके ये इधर आ जाएगा -98.21 इधर जाएगा और ये सिंपल सा कैलकुलेशन होके -183.81 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होगा जो कि लैटाइस एनर्जी होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लैटाइस एनर्जी निकालेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमिकल आते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको पूरा जो है दिया रहेगा, ठीक है, जो वैल्यूज है वो दिए रहेंगे, बस आपको जो है पुट करना है फॉर्मूला में और उसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आगे हम देखेंगे। सो देयरफॉर द लैटाइस एनर्जी ऑफ क्रिस्टल लाइन सोडियम क्लोराइड इज -183.81 किलो कैलोरी पर मोल एंड इट्स नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये नेगेटिव में है तो मतलब कि यहां से एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये डिनोट करता है। एंड ऑल दिस स्टेप कैन बी रिटन एज अ साइकिल विच इज नोन एज बॉर्नहेवर साइकिल, ठीक है। तो जितना भी स्टेप हमने पढ़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में इस साइकिल में जो है दर्शाया जाता है, इसीलिए इसको बॉर्नहेवर साइकिल कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे सिंपल सा हमने जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा वही है, एनए सोडियम है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है तो ये सब्लिमेशन एनर्जी के द्वारा ये Na गैस में चेंज हो जाएगा सोडियम, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी के बाद इसमें एक जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल जाएगा जिससे ये Na प्लस आयन में चेंज हो जाएगा। सेम ये जो क्लोरीन गैस है ये एटम में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल एटम में चेंज होगा, डिसोसिएशन एनर्जी उसमें लगाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे जिससे ये Cl- में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये आयन बन जाएगा। अब ये दोनों अपोजिट है तो ये अट्रैक्ट करके NaCl बनाएंगे, ठीक है, और इन दोनों के अट्रैक्शन के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उसे लैटाइस एनर्जी कहा जाएगा। तो ये बस इतना बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी में आपको जो है इतना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको थ्योरी पूछा जाता है व्हाट इज बॉर्नहेवर साइकिल समझाइए तो आप ये जितने भी टर्म्स मैंने समझाया उसको समझा सकते हैं एंड ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला, ठीक है, तो द लैटाइस एनर्जी ऑफ NaCl कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी से ही आपके जो है न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका यू जीरो इक्वल टू क्यू प्लस एस प्लस वन अपॉन टू डी प्लस आई माइनस ई, ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला लैटाइस एनर्जी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आपका पूछा जाएगा, कैलकुलेट द लैटाइस एनर्जी ऑफ NaCl क्रिस्टल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय द यूज ऑफ बॉर्नहेवर साइकिल, ठीक है, ये NaCl के द्वारा कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो बॉर्नहेवर साइकिल के द्वारा आपको डाटा दिया रहेगा, मेनली आपको वैल्यूज दिए रहेंगे, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा सब्लिमेशन एनर्जी दिया गया है 108.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -348.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये डिसोसिएशन एनर्जी है, बेसिकली डिसोसिएशन एनर्जी आपका 243 दिया रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 1/2 है फॉर्मूला में, ठीक है, तो आपको इसको 2 से भाग देना पड़ेगा जिससे 121.5 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है। क्यू आपका होता है ये हीट फॉर्मेशन होता है, मतलब टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो भी आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आई आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, 495.2 किलो जूल मोल, ठीक, तो बॉर्नहेवर इक्वेशन आपको याद रहेगा, तो इसमें आपको पूरा पुट कर देना है जितना भी वैल्यूज दिया गया है, उसके बाद आपका निकल जाएगा लैटाइस एनर्जी, ठीक है, तो यही होगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। 2 and 3 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमएससी एंड बीएससी लेवल में इजी ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है। मेन आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और ये पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको तैयारी डेफिनेटली बहुत अच्छे से कीजिए एंड आई होप कि ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आपको कंप्लीट है रिटर्न
नोट चाहिए इस यूनिट का, बेसिकली ये टॉपिक आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिकल बॉन्डिंग पार्ट वन में आयनिक बॉन्ड वाले चैप्टर में आपको ये मिलेगा। तो अगर आपको इस यूनिट का कंप्लीट हैंड रिटन नोट चाहिए जिसमें ये सभी टॉपिक्स आपको डिटेल में मिलेंगे, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं एंड नोट्स ले सकते हैं बीएससी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप नोट्स लेके डायरेक्ट वहां से तैयारी कर सकते हैं। सो आई होप कि ये पूरा हेल्पफुल रहा हो आपके लिए ये पूरा वीडियो। आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।